अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप देख रहे हैं कक्के सही सील एंड एनिमल चैनल। या आज मैं आपको मुर्गी दिखा रहा हूँ। ये वही मुर्गी है जिसके अंडे बारिश में भीग गए थे। माशाल्लाह इसने 5 बच्चे निकाले हैं। ये देखें, ये अल्लाह पाक की कुदरत है, अंडे भी बारिश में भीग गए थे फिर भी ये देखें माशाल्लाह। 2 हैवी बफ के हैं और 3 इसके अपने हैं। बाकी एक में बच्चा बना हुआ था और वो अंदर ही 18 का दिन का बच्चा था जो अंदर ही मर गया। ये देखें अल्लाह पाक की रहमत है, तो ये बच्चे निकल आए हैं। इसका मेल है, मेल थोड़ा सा बूढ़ा हो गया, इसको दाना वगैरह डाला है। देखो माशाल्लाह सेहतमंद बच्चे हैं। ये देखें इसके जो अंडे थे उसमें से 8 अंडे मैंने रखे थे, उसमें से ये 3 में से इसके बच्चे निकले हैं। वो भी मैंने ना रिकवर किए हैं, उनका गर्मी या 2 दिन हो गए काफ़ी डली थी। उनका जो छिलका बिल्कुल खुश्क हो गया था, इनकी ना चूँचे ने थोड़ा सा चूँचों से उन्हें तोड़ा हुआ था। इसके बाद इसको मैंने ना रिकवर किया, इसका छिलका खुद उतार के अंडे में से बच्चा निकाला है। और बाकी जो 2 थे वो माशाल्लाह ये जो हैवी बफ के हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक निकले हैं। और ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अंडे बिल्कुल गीले हो गए थे, मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे, और उसमें से अल्लाह पाक ने निकाले हैं। ये अल्लाह पाक की ने कुदरत है जिसकी वजह से निकले हैं, नहीं तो दुनियावी लिहाज से तो अंडे गीले हो गए थे और अंदर से बच्चे चांसेस थे कि ना ही निकले। देखिए मैं आपको बाकी बच्चे भी दिखाता हूँ। ये देखें ये बच्चे हैं इसके, ये जो हैं ये हैवी बफ के बच्चे हैं 2, बाकी 3 इसके अपने बच्चे निकले हैं। आज बाकी भी मैं आपको दूसरी जो मुर्गियाँ बैठी हुई थी उनका भी रिजल्ट बताता हूँ। और बाकी मैं परिंदों को, डक को, मुर्गियों को, ये देखें ये मैं मिक्स दाना डाल रहा हूँ। इसमें बाजरा भी है, सूरजमक्खी भी है, मकई भी है, किननी भी है और दालें भी हैं अंदर 3-4 किस्म की। तो ये मैं बाजरा डाल रहा हूँ डक्स को, मुर्गियों को, बाकी परिंदों को, और जो चूज़े निकले हैं इनको भी मैं मिक्स दाने डाल रहा हूँ। क्योंकि पहले बाजरा डाल रहा था तो वो बाजरा खा खा के जो परिंदे थे वो जनाब जी बोर हो गए थे, इसलिए मैं इनका दाना चेंज कर दिया है। तो इनको भी ये देखें ये हाथ पर रख के डक खा रही है, ये फैंसी डक है। तो ये दोनों मुर्गियाँ मेरी बैठी हुई थी सेवें, तो इनके खुडे में भी पानी भर गया था, इनके अंडे तो ज़ाया हो गए हैं। तो जनाब जी एक अंडे में बच्चा बना हुआ था वो अंदर से मर गया था, वो भी अंदर। तो बाकी अंडे बारिश की वजह से काले हो गए हैं और बादल बहुत गरजे थे, बिजली की कड़क की वजह से ना बच्चा जो होता है अंदर मर जाता है, यही सुना हमने। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है, जो निकल आए हैं बहुत अच्छे निकल आए हैं, इस पर अल्लाह का शुक्र है हमारा। जो नहीं निकले उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी थी। और बाकी मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो वगैरह देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।